जय सियाराम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं जया एकादशी के बारे में, जो कि आ रही है 20 फरवरी को। एकादशी की जो तिथि है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि 19 फरवरी को है या 20 फरवरी को है, पारण का क्या समय रहने वाला है, मुहूर्त क्या है, महत्व क्या है। आज हम बात करेंगे इन्हीं सब के बारे में, तो चलिए जानते हैं। पुराणों में माघ मास के जो महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि होती है उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। इस दिन जो है जया एकादशी का व्रत रखा जाता है। जया एकादशी के दिन उपवास रखा जाता है और भगवान विष्णु की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। इस एकादशी का जिक्र जो है करते हुए शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं उसे मृत्यु के बाद भूत प्रेत नहीं बनना पड़ता है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति पितृ की जो कुयोनी होती है उनको त्याग कर स्वर्ग में चला जाता है। आइए अब बात कर लेते हैं तिथि के बारे में। तिथि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो है वो 19 फरवरी 2024 को सुबह 8:49 पर शुरू होकर अगले दिन 20 फरवरी 2024 को सुबह 9:55 पर समाप्त होगी। तो हमारे शास्त्रों में उदया तिथि को मान्य किया जाता है, तो उदया तिथि को देखते हुए जया एकादशी का जो व्रत है वो 20 फरवरी मंगलवार के दिन रखा जाएगा। और ऐसा भी कहते हैं कि यदि एकादशी तिथि के संग जो द्वादशी आ रही होती है तो उस एकादशी को माना जाता है, इसलिए 20 फरवरी 2024 को ही जया एकादशी का व्रत जो है रखा जाएगा। अब बात कर लेते हैं मुहूर्त के बारे में। 20 फरवरी को जया एकादशी व्रत के दिन आप श्री हरि विष्णु की पूजा सूर्योदय के समय ही सही कर सकते हैं, क्योंकि इस समय प्रीति योग, रवि योग, त्रिपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:14 से 6:05 तक रहने वाला है। वहीं जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर के 12:12 से लेकर 12:58 तक रहेगा। इस समय पूजा करके आप भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि व्रत का जो पारण समय है वो क्या रहने वाला है। जया एकादशी व्रत का पारण समय जो है वो 21 फरवरी को 2024 को सुबह 6:55 से सुबह के 9:11 के बीच में आप कर सकते हैं। आप सबको, अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे हैं एकादशी के, तो आप सबको पता ही होगा कि जो पारण का समय होता है एकादशी का, यानी कि पारण का समय वो होता है जब हम व्रत को अपना खोलते हैं, ठीक है, तो वो पारण का समय होता है और वो एकादशी के व्रत में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है, इसलिए आप पारण के मुहूर्त में ही अपने व्रत को खोलें। चलिए अब बात करते हैं कि आज के दिन जो जया एकादशी है उसके दिन, उस दिन पर आपको पूजा विधि किस प्रकार करनी है। तो सबसे पहले जो है, जब भी आप कोई व्रत करते हैं तो सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। तो एकादशी व्रत वाले दिन आप प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें, अगर हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, व्रत का संकल्प ले लें और फिर विष्णु जी की आराधना करें। संकल्प लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी व्रत में। भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें, घी में हल्दी मिलाकर भगवान विष्णु के समक्ष एक दीपक जलाएं, पीपल के पत्ते पर दूध और केसर से बनी हुई मिठाई रखकर भगवान को चढ़ाएं। एकादशी की शाम को तुलसी के सामने भी दीपक आपको जरूर जलाना चाहिए, अगर हो सके तो तुलसी के सामने आप घी का दीपक जरूर से जलाएं। भगवान विष्णु को केले चढ़ाएं और गरीबों को भी केले बांट दें। भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी का भी पूजन करें और गोमती चक्र और पीली कौड़ी की भी पूजा घर में रखें और उनकी भी पूजा जया एकादशी के दिन आप जरूर से करें। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जया एकादशी का व्रत जो है रखा जाता है। तो कोड़ी रखने के बाद में आपको क्या करना है, आपको कथा पढ़नी है, और जो ये जया एकादशी की कथा है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसको वहां से पढ़ सकते हैं। पूजा कथा पढ़ लेने के बाद आपको आरती करनी है और क्षमा याचना करनी है भगवान से, अगर हमसे उस पूजा में कोई गलती हो गई हो। संकल्प कैसे लिया जाता है इसके बारे में वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ज़रूर से अपलोड कर दूंगी। जया एकादशी के दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा करने से अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में इस एकादशी को बहुत ही खास महत्व दिया गया है। जो व्यक्ति सच्चे मन से इस दिन व्रत रखता है उसका जीवन दुखों और कष्टों से मुक्त हो जाता है। पुराणों के अनुसार देखा जाए तो इस व्रत से व्यक्ति को हर जगह विजय की प्राप्ति भी होती है। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि इस व्रत को रखने का महत्व क्या होता है। जया एकादशी का व्रत इसलिए भी रखा जाता है क्योंकि इस व्रत के प्रभाव से जो पितृपक्ष की 10 पीढ़ियाँ और मातृपक्ष की 10 पीढ़ियाँ जो होती हैं वो मोक्ष को प्राप्त हो जाती हैं। इसी के साथ महाभारत के समय में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस व्रत की महिमा युधिष्ठिर को बताई थी। इस दिन भगवान विष्णु के माधव रूप की पूजा की जाती है। जो व्यक्ति यह व्रत रखते हैं उसे हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति भी होती
होती है। पद्म पुराण में और भविष्योत्तर पुराण में भी इस व्रत का वर्णन देखने को मिलता है। जो व्यक्ति ये उपवास करते हैं तो उसको अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है और दूसरा ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी उसको मुक्ति मिल जाती है। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि जब मृत्यु के बाद व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार अनेक अदृश्य में जाना होता है, जिसे भूत और पिशाच की योनि कहा जाता है। जया एकादशी को इन्हीं आश्रित योनियों से मुक्ति दिलाने वाला कहा गया है। ये शापित योनियां होती हैं, इनसे ये व्रत आपको मुक्ति भी दिला सकता है। कहते हैं कि अगर जया एकादशी का व्रत आप पूरे विधि विधान से करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है, साथ ही सभी पापों से मुक्ति भी मिल जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि यदि आप पूरे विधि विधान के साथ भगवान की पूजा ना भी कर पाएं तो व्रत करके अगर आप सिर्फ उनका ध्यान करते हैं तो भी आपको ये जो भूत प्रेत पिशाच की योनियां होती हैं, श्रापित योनियां, इनमें कभी गिरना ही नहीं पड़ता है। और यदि आपके पूर्वज उसमें होते हैं तो वो उनसे बाहर आकर स्वर्ग में स्थापित हो जाते हैं। एकादशी के दिन भूलकर भी आपको चावल नहीं खाने हैं। बेवजह किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करने से आपको बचना है। इस दिन ज़्यादा देर तक आपको सोना भी नहीं है। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो आपको दोपहर में हरगिज़ नहीं सोना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी को स्पर्श करना और तोड़ना दोनों ही वर्जित माना गया है। आपको तुलसी में आज जो एकादशी होती है उस दिन आपको जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसा मान्यता है कि तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं एकादशी के दिन। इसलिए एकादशी के दिन कहा जाता है कि तुलसी माता को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि जया एकादशी के दिन आप कुछ खास उपाय भी कैसे कर सकते हैं और क्या उपाय आपको जो है करके सुखी और समृद्धशाली जीवन जी सकते हैं। जया एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा ज़रूर से करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में आपकी सुख समृद्धि और तरक्की आती है। 20 फरवरी को जया एकादशी का व्रत रखने वाले जो दिन होते हैं वो सुबह स्नान के बाद घी का दीपक ज़रूर से जलाएं और भगवान विष्णु का आवाहन करें। इससे भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उन्हें पीले वस्त्र, पीले फूल, पीले रंग की पुष्पमाला, मिठाई, फल आदि अर्पित करें। फिर बाद में आप गाय को चारा खिलाएं और जरूरतमंदों को कुछ जरूर से दान करें। मान्यता है कि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा जरूर से करना चाहिए और अगर हो सके तो वहां पर आप दीपक भी जरूर से प्रज्वलित करें। जया एकादशी के दिन किसी मंदिर में स्थित पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाएं और उसके समीप देसी घी का दीपक जरूर से लगाएं। एक बात का खास ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आपने व्रत नहीं रखा है तो भी इस दिन आप चावल खाने से बचें। एकादशी के दिन अगर हो सके तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर से कीजिए। विष्णु चालीसा का पाठ भी आप कर सकते हैं। और जिन लोगों को संतान नहीं हो रही है, जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, वो लोग गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ भी ज़रूर से करें। तो ये कुछ उपाय हैं जो बहुत ही ज़्यादा जो है लाभकारी सिद्ध होते हैं एकादशी तिथि के दिन। वैसे तो क्या होता है कि हम रेगुलरली अपना पूजा पाठ वगैरह करते ही हैं, चालीसा वगैरह, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं महीने के, जैसे एकादशी तिथि हो गई या अष्टमी तिथि हो गई या गुप्त नवरात्रि हो गई, तो इनमें यदि हम कोई पाठ पूजन करते हैं तो उनका जो फल होता है वो 10 गुना होकर के को मिलता है। इसलिए एकादशी के दिन अगर आप हो सके तो आप विष्णु भगवान या लक्ष्मी माता से रिलेटेड मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। पूजन विधि में यदि आप चाहें तो भगवान विष्णु का आप अभिषेक भी कर सकते हैं माता लक्ष्मी के साथ में। अभिषेक तो आपको पता ही है, पंचामृत से अभिषेक आप कर सकते हैं। यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते करते अभिषेक कीजिए तो आपको और भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। संकल्प किस प्रकार से लिया जाता है किसी भी व्रत या पूजन करते समय, इस बारे में जो वीडियो है मैं जो ज़रूर से डाल दूंगी अपने नेक्स्ट वीडियोस में। तो तब तक आप मेरे चैनल पर बने रहिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, इस बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो अभी मैं आपसे लेती हूँ विदा। जय सियाराम।